प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिलेट उत्पाद को बढ़ावा देने की श्रृंखला में आज रायबरेली में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के मौके पर मिलेट अनाज और उसके उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पीएम मोदी की पहली पसंद के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में मिलेट अनाज उत्पादन के लिए 2023 में प्रत्येक देश को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में भारत इस मुहिम में प्रमुख भूमिका निभाते हुए देश भर में इसे लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। मिलेट वैसे तो अंग्रेजी का शब्द है जो बाजरा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वह सभी मोटे अनाज जो छोटे बीज के होते हैं वह मिलेट की ही श्रेणी में आते हैं। इसी के तहत सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा व मक्का जैसे अनाज इसी श्रेणी में आते हैं और यह नई खोज के मुताबिक सुपर फूड कहलाते हैं। स्वास्थ्य के लिए उत्तम और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले इन अनाजों के प्रति किसानों के साथ आम लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। इसी सोच के साथ यहां रायबरेली क्लब में इसका आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के साथ ही आम लोगों ने इसमें प्रतिभाग कर मोटे अनाजों की प्रदर्शनी लगाई और समस्ता भोज के नाम से मिलेट उत्पादों को परोसा गया। नई पीढ़ी हमारे पारंपरिक अनाजों को लेकर गंभीर है और माना जा रहा है कि इसका उपयोग बढ़ता है तो एक बार फिर ये हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल होगा। क्या नाम है आपका? अल्पना मिश्रा। अल्पना जी, ये जो यहाँ पर मोटे अनाज की वकालत की जा रही है जी, ये कितना फायदेमंद जी? देखिए, अगर खाने के हिसाब से बात की जाए तो जो पतला चावल होता है वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है और प्रेफर करते हैं लोग ज़्यादातर, पर मोटा अनाज लोग कम प्रेफर करते हैं, जबकि वो ज़्यादा लाभदायक होता है डाइजेशन के लिए और हेल्थ के लिए। तो इस वजह से ये जो कार्यक्रम है अनाज को लेकर, पर्टिकुलर मोटे अनाज को लेकर, ये काफ़ी बेहतर है। आपको क्या लग रहा है? जी, मुझे तो यही लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जान पा रहे हैं कि मोटा अनाज अच्छा होता है सेहत के लिए, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है और ऐसे कि लोग जागरूक हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। क्या नाम है आपका? रितु सिंह। रितु सिंह जी, रितु जी, ये जो मोटे अनाज का प्रोडक्ट है, चाहे वो मक्का का आटा हो या दूसरी चीज हो, ये किचन में कितना आसान है, क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं। हालांकि हमारे शहरी जीवन में मक्के का चूल्हा में तो रोटी बनाना बहुत वो होता है, आसान होता है मक्के का, मोटे भी कोई किसी भी मोटे अनाज का, लेकिन चूँकि हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस वाले चूल्हे का, तो मुझे ये है कि क्या कहते हैं, अगर आप उसको, आपका बच्चा पसंद करता है या आपके परिवार में कोई भी पसंद करता है, तो आप उसे बाकायदा उसको खिला सकते हैं। बनाना भी आसान है, बस छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है हर चीज़ का, बस थोड़ा सा एक पॉलीथिन पे आप उसका वो रखिए, बना के उसको पेड़े, आप उसको पॉलीथिन से उसको बाकायदे वो कर दीजिए, हल्का हल्का गुलाई, जैसे आप पापड़ बनाते हैं सेम वैसे मक्के की रोटी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से तवे पे। सावा का चावल खिलाएंगे, खाएंगे बच्चे? सावा का चावल शायद मुश्किल हो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बचपन से मोटा अनाज उस तरह देखे नहीं है, क्योंकि वो शहरी उसमें पले बड़े हुए हैं। गांव के बच्चे शायद वो खा सकते हैं, लेकिन शहर के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब गांवों में भी सामा, काकुन, कांदो, काकुन और वो सब नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, तो कैसे ये कैसे हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि मोटा अनाज उनके लिए फायदेमंद है? बच्चों को ये हमें, हम माओं को, जैसे जो बच्चों को हम समझाने की कोशिश इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा कि उसके आगे आने वाले समय में उसके सेहत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस मोटे अनाज से, और आजकल के जैसे जंक फूड बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं, दोनों में डिफरेंस बता के हम बच्चों को वो कर सकते हैं कि हाँ, आपको ये मोटे अनाज से आपका क्या फ़ायदा है और ये आपको जंक फूड से क्या नुकसान है। आप स्वयं खाएंगी और आपके पति और आपके? या बिल्कुल, हम लोग खाते भी हैं, बाजरा यूज़ होता है, मक्का यूज़ होता है, हम लोग के यहाँ ये सब चीज़ें बराबर यूज़ की जाती हैं। थैंक यू।